Good morning, everyone. B.ed first year. आज पेपर थर्ड अधिनव शिक्षण. आज आज आपका टॉपिक है शिक्षण प्रतिमान के प्रकार. शिक्षण प्रतिमान के प्रकार मैंने आपको ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान कराया, दार्शनिक कराया, मनोवैज्ञानिक कराया. आज करेंगे हम शिक्षक शिक्षण प्रतिमान. शिक्षक शिक्षण प्रतिमा. शिक्षण शिक्षक प्रतिमान में भी कितने प्रकार है? चार प्रकार के भावों में इसे भी बांटा गया है. कितने भावों में बांटा गया है? चार भाव. दवा शिक्षण प्रतिमान, दवा शिक्षण प्रतिमान दिया भी किसने है? दवा नहीं दिया है. शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान, शिक्षक विन्यास प्रतिमान, शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान. फिर टर्नर, टर्नर शिक्षण, टर्नर शिक्षण प्रतिमान. और लास्ट बचता है बॉक्स लिक्विड का शिक्षण, बॉक्स लिक्विड का शिक्षण प्रतिमान. तो सबसे पहला आता है दवा शिक्षण प्रतिमान. दवा शिक्षण प्रतिमान दवा नहीं दिया है. दवा शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा के लिए विकसित किया गया था. मतलब दवा जिसे भी शिक्षण प्रतिमान दिया था वो किसके लिए दिया था? अध्यापक शिक्षा शिक्षा के लिए विकसित किया था. अध्यापक शिक्षा के लिए विकसित था. तो अध्यापक शिक्षा के लिए जब विकसित किया तो इसमें क्या क्या प्रतिमान है? इस प्रतिमान के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति के ऊपर छात्रों की, मतलब अध्यापक शिक्षण कार्य जब करा रहा है तो वो बालकों की तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति के कौशल का विकास करे, जिससे बालक स्वयं ही तर्क के आधार पर, चिंतन के आधार पर अपनी शिक्षण संबंधी समस्याओं या अन्य समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके. इस शिक्षक का कार्य छात्र के चिंतन और मतलब हम कह सकते हैं छात्र के चिंतन कौशल का विकास करना था. छात्र के चिंतन कौशल का विकास करना. इस कार्य के लिए तीन कार्य किए जाते हैं. इसके लिए तीन कार्य बताए, तीन कार्य बताए गए हैं. पहला है प्रत्यय निर्माण, कि हम किसी भी विषय वस्तु का, जब हम लोग विषय वस्तु शिक्षक को प्रस्तुत करनी है उस विषय वस्तु की योजना तैयार करेंगे, उसका निर्माण करेंगे. मतलब जो प्रस्तुतिकरण जो विषय वस्तु जो टॉपिक अध्यापक को पढ़ाना है छात्रों को, या जिसमें चिंतन करने में जो विषय वस्तु देनी है, तो उसकी एक योजना शिक्षक के पास में, अपने स्वयं के पास में तैयार होनी जरूरी है. तभी कि छात्र ने कितना चिंतन करा और कितना कार्य सही करा है, ये जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब शिक्षक स्वयं अपनी योजना पहले से ही तैयार करेगा. फिर दूसरा जो तेरा है कार्य, कि प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर सामान्यकरण, सामान्यकरण तथ्यों की व्याख्या. मतलब क्या करना है? जो प्रत्यय निर्माण करना है, जो हमने योजना बनाई है उस योजना को बालकों के आगे प्रस्तुत करना, उसको
मान या मानो वैज्ञानिक प्रतिमान के रूप में ही लिया जाता है इसमें इसका उपयोग छात्र अध्यापकों के व्यवहार का विश्लेषण करके विश्लेषण करने उनके व्यवहार अनुसार उचित शिक्षण अध्यापक को सभी के व्यवहार के अनुसार ध्यान में रखते हुए अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण
पढ़ना।